आप लोगों ने मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जिसे PLI स्कीम भी कहते हैं, उनके बारे में सुना ही होगा। ये सारी पहल कोशिश है इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आत्मनिर्भर करने की और ग्लोबली एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की। ऐसे समय में क्या आपका पोर्टफोलियो ऐसी उभरती हुई स्पेस का फायदा उठाने के लिए तैयार है? इस उभरते हुए स्पेस में निवेश करने के लिए आप मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF या फिर मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF फंड ऑफ फंड में निवेश कर सकते हैं। ये फंड मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई उन कंपनियों में निवेश करता है जो कि ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स और माइनिंग एक्सेट्रा की भागीदार है, ताकि सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा जो इस क्षेत्र को मिल रहा है वो निवेशक को उसके इन्वेस्टमेंट में भी मिल सके। ज्यादातर फंड्स जो मार्केट कैप आधारित होते हैं उनका अक्सर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में निवेश कम होता है या फोकस नहीं होता है, लेकिन ये फंड काफ़ी डाइवर्सिफाइड तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के सारे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करता है। मीरे एसेट निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करता है और उन कंपनियों में निवेश करता है जो अंडरलाइंग इंडेक्स का पार्ट है जो कि इस अंडरलाइंग इंडेक्स का हिस्सा है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स एक नियम से बनाया हुआ इंडेक्स है जिसका पोर्टफोलियो एक निष्पक्ष तरीके से आपको मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उन कंपनियों में एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जो कंपनियां डिफरेंट इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स टॉप 300 कंपनियों में से मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर की इंडस्ट्रीज में से कंपनियां चुनता है। सही रिप्रेजेंटेशन देने के लिए फंड में कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स का हिस्सा मिनिमम 20% किया गया है और किसी भी स्टॉक का एक्सपोजर 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इंडेक्स की रीबैलेंसिंग साल में 2 बार की जाती है जिस दौरान कई कंपनियां पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकती हैं और कई कंपनियां पोर्टफोलियो से बाहर निकल सकती हैं, इसीलिए बदलते वक्त के साथ ये पोर्टफोलियो भी बदलता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग भारत का उभरता हुआ सेगमेंट है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और लंबे समय के में इसकी हिस्सेदारी इंडिया के GDP में काफ़ी बढ़ सकती है। हमारे अनुसार इस स्कीम में निवेशक 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन सोचकर निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें।